मुद्दा उठाया। आपको बता दें कि पिछले दिनों जॉम्बी मिस्टर वार्ड। हेलो। एक काम जिसके बदले मिलेंगे $50 मिलियन। जैक स्नाइडर की अभी कुछ दिनों पहले जस्टिस लीग मूवी आई थी, उसको सिनेमा वर्ल्ड में डीसी कॉमिक्स की सबसे बड़ी फिल्म बना दिया था। लेकिन नेटफ्लिक्स पर आई जैक स्नाइडर की आर्मी ऑफ द डेड ने उस पर पानी फेर दिया। इस हफ्ते मैंने देखी नेटफ्लिक्स फिल्म आर्मी ऑफ द डेड। इसको लिखा और डायरेक्ट किया है जैक स्नाइडर ने और इसके लीड में हैं डेव बटिस्टा, एला पर्नेल, उमारी हार्डविक और हुमा कुरैशी। बात करें फिल्म की कहानी की तो ये कहानी एक हाइस्ट की है। दरअसल एक बिजनेसमैन तनाका एक टीम बनाता है जो उसके लिए $200 मिलियन एक कसिनो से लेकर आएंगे, लेकिन वो कसिनो जॉम्बीज से भरे हुए घेरे में है। टीम को लीड करता है स्कॉट यानी बटिस्टा। आर्मी ऑफ द डेड में वो सब कुछ है जो एक एक्शन फिल्म में होना चाहिए, लेकिन इसमें कहानी नहीं है। कैरेक्टर की इलॉजिकल बातें, सीन्स में बहुत से जर्क इस फिल्म को जैक स्नाइडर के लिए सही नहीं बनाता। फिल्म में कुछ जगह तो सीजीआई आपको हंसा देगा। नेटफ्लिक्स ने बहुत बड़ी हाइप बनाई लेकिन ये फिल्म उस पर बिल्कुल भी खरी नहीं उतरती। फिल्म में जरूरत से ज्यादा वायलेंट सीन को दिखाया गया है। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके सर के ऊपर से जाती हैं। ओवरऑल आर्मी ऑफ द डेड एक बड़े बजट की सबसे खराब फिल्म साबित हुई है। मूवी रिव्यू और मूवी रिकमेंडेशंस के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें इस वीडियो को।